हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स सितंबर 2023 को देखेंगे। और इससे पहले मैंने जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसी चैनल में कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आने वाले झारखंड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखा दूं कि कहां पे आपको मिलेगा ये। जैसा कि ये आप जैसे हमारे चैनल पे जाएंगे तो ये यहां पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे देखें ज़िला एक नज़र है, फिर 11th JPSC का है, उसके बाद यहाँ पर देखें झारखंड, यहाँ देखिए झारखंड करंट अफेयर्स हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2022 है, फिर मार्च है, ठीक है, पूरा मार्च अप्रैल मई 22 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च 2023 है, फिर उसके बाद अप्रैल जून, उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त। तो हम लोगों ने अगस्त तक यहाँ पर किया हुआ था और आज हम लोग सेप्टेम्बर को देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक वीडियो एक और लाएंगे छोटा सा, जिसमें अक्टूबर का पूरा करेंगे और फिर हम लोग इसी तरह नवंबर को एग्ज़ाम से पहले नवंबर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हम लोग पूरा करेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूज़ है, तो झारखंड में साहित्य संगीत नाट्य और ललित कला अकेडमी का गठन किया जाएगा और इसके लिए जो है नियमावली प्रारूप तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए झारखंड में पहली बार इसका गठन किया जा रहा है। क्या चीज़ का? तो पहला क्या है, झारखंड राज्य साहित्य अकेडमी, और दूसरा झारखंड राज्य संगीत नाट्य अकेडमी और झारखंड राज्य ललित कला अकेडमी, यानी कि तीन चीज़ है, साहित्य अकेडमी है, नाट्य अकेडमी है और ललित कला अकेडमी, ये तीनों का गठन किया जाएगा। और किस विभाग के द्वारा ये आएगा? तो पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा। और इसके लिए एक संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे कौन, शिरोमणि महतो, और विधायक विनोद सिंह, और एक कलाकार है बासु बिहारी। और ये बासु बिहारी के बारे में अगर आप बता दो आपको, तो इनको श्रीनिवास पानोरी सम्मान भी मिला है 2023 का, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूज़, उसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है वो है अपराध के मामलों में अगर देखा जाए तो रांची सबसे पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे धनबाद और तीसरे स्थान पे बोकारो, यानी कि सबसे अधिक जो अपराध है वो रांची में ही हो रहा है। और ये किसकी रिपोर्ट है? तो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झारखंड के का रिपोर्ट है और इसके अनुसार यहाँ पर दिया गया। ये इतना आपको जानना है कहाँ पर क्या ज़्यादा हो रहा है, बस आपको याद रखना है कि रांची पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बोकारो और तीसरे स्थान पे बोकारो, सॉरी दूसरे पे धनबाद, तीसरे पे बोकारो। तो अच्छी बात नहीं है, रांची सिटी है, कैपिटल सिटी है, फिर भी पहले स्थान पे है क्राइम में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो समझिए कि पेपर में ये छप गया है, क्योंकि झारखंड के पहले DGP थे ये शिवाजी महान केरे, और इनका निधन हो चुका है। ये कब बने थे? तो 12 नवंबर 2000 को झारखंड का DGP बनाया गया था इनको। और ये कब तक रहे थे? नवंबर 2002 तक कार्यरत रहे थे, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये आप जितना आप VBI कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप VBI कह सकते हैं, दो शिक्षकों को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 का। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। और देश भर के कुल 75 शिक्षकों का चयन किया गया है, इसमें झारखंड से दो हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है? एक रजत पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 50,000 रुपये नगद राशि मिलती है। और ये कब से दिया जा रहा है? 1962 से दिया जा रहा है। तो पहले जो है वह है मोहम्मद इजाजुल हक, ये कहाँ के हैं? ये हैं चतरा के हैं, मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। और दूसरे हैं मनोरंजन पाठक, ये सैनिक स्कूल तिलैया के कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, ठीक है।
तो इजाज़ुल हक और मनोरंजन पाठक, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये बस आपको न्यूज़ याद रखना है कि जो ट्रांसजेंडर है उसको झारखंड में पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। उसके बाद है रांची के टैगोर हिल में ब्रह्म मंदिर है, ठीक है, ब्रह्म मंदिर, और इस ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए याचिका दायर किया गया था हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनको कहा है कि एक बार दोबारा से निर्णय लें कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तो ये ब्रह्म मंदिर जो है इसका ये कब बना था, 1910 में बना था और टैगोर हिल के ऊपर में है, ठीक है। और टैगोर हिल में क्या है, था जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये मंदिर को बनवाया था और इनका आश्रम भी था यहाँ पे। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, वो नाटककार भी थे, चित्रकार भी थे और संगीतकार भी थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार हैं महादेव टोप्पो। तो सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि महादेव टोप्पो कौन है, तो साहित्यकार हैं। इनको बोर्ड मेंबर में नियुक्त किया गया है, किसमें, बोध एकेडमी नियुक्त किया गया है, जैसे सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर, ठीक है, इसके बोर्ड मेंबर बने हैं ये कामदेव, सॉरी महादेव टोप्पो। इन्होंने कुछ रचनाएं भी की है, जैसे जंगल पहाड़ के पाठ, ये क्या है, कविता संग्रह है, और सभ्यों के बीच आदिवासी, ये एक लेख संग्रह है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, जंगल पहाड़ के पाठ और सभ्यों के बीच आदिवासी। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है महादेव टोप्पो के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, 9 सितंबर 2023 को क्या हुआ था, धनबाद जो IIT ISM है उसके द्वारा एक स्कूल इनोवेशन चैलेंज आयोजन किया गया था। तो उसके ग्रैंड फिनाले का रिजल्ट जारी किया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम का लोयला स्कूल जो है वो स्टेट चैम्पियन बना है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि स्कूल इनोवेशन चैलेंज में लोयला स्कूल एक रांची में भी है, लेकिन ये पूर्वी सिंहभूम का है, लोयला स्कूल को क्या मिला, स्टेट में चैम्पियन बना है। उसके बाद है उड़ीसा के लिट्टी बेड़ा से झारखंड की राजधानी रांची में CTO रिंग रोड बनने वाले एक्सप्रेसवे का DPR तैयार, यानी कि एक रिंग रोड सॉरी एक एक्सप्रेसवे बनने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, उड़ीसा से, ठीक है, कहाँ से, उड़ीसा से लेके रांची तक, और उड़ीसा के कहाँ पे, तो उड़ीसा के लिट्टी बेड़ा एक जगह है, और रांची का कहाँ तक, CTO यानी रिंग रोड के पास। तो ये एक पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर होगा इसमें, और इस कॉरिडोर के साथ में क्या होगा, यहाँ दीवार भी होगा ताकि जो जानवर है वो रोड पे आ नहीं पाए, ठीक है, और ग्रीन कॉरिडोर होगा इसको आपको याद रखना है। और कुल इसकी जो लंबाई होगी 147 किलोमीटर होगा। उसके बाद है दूसरा सुवर्णशिला सम्मान शेखर मलिक, दिलीप चक्रवर्ती और शांता चक्रवर्ती को दिया गया है। तो तीन लोगों का नाम याद रखना है आपको, शेखर मलिक, दिलीप चक्रवर्ती, शांता चक्रवर्ती। इनको किसके द्वारा दिया गया है, तो ये घाटशिला के सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था है, एक विभूति स्मृति संसद, ठीक है, तो विभूति स्मृति संसद के द्वारा दिया गया है। और ये प्रत्येक वर्ष बांग्ला साहित्य और बांग्ला सहित जो भी अन्य भाषाएं हैं उसमें जो भी उल्लेखनीय कार्य करते हैं साहित्यिक क्षेत्र में उनको ये दिया जाता है। और ये पिछले साल जो है रनेंद्र को दिया गया था। रनेंद्र काफ़ी प्रख्यात साहित्यकार हैं झारखंड के, और शेखर मलिक का नाम याद, उसके बाद आपको जैसे शेखर मलिक की दो रचनाएं हैं इसको आपको याद रखना है, जैसे इनका उपन्यास है कालचीती, तो कालचीती आपको याद रखना है, और कहानी है इनका है डायन मारी और जंगल मोर दुलाड़िया। तो अगर आपसे पूछा जाए कालचीती किसकी रचना है, तो शेखर मलिक की है, डायन मारी किसकी रचना है, तो शेखर मलिक की है, जंगल मोर दुलाड़िया किसकी है, तो शेखर मलिक की है। दिलीप चक्रवर्ती के द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें है तहादेर प्रेम कथा, उसके बाद है लॉकडाउनर दीनगुली, और तीसरा है श्रेणी
संग्रामेर सब्यसाची, ठीक है। तो ये बांग्ला में लिखा गया है। तो ये तीन पुस्तकें हैं दिलीप चक्रवर्ती की और शेखर मलिक की, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। झारखंड को मिला है पहला विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। तो विस्टाडोम कोच वाला ट्रेन क्या होता है, तो विस्टाडोम कोच के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो विस्टाडोम कोच क्या है, एक प्रकार का जो टूरिस्ट कोच जैसा होता है, जिसमें जो खिड़की होता है वो ग्लास की खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी होती है, और साथ में छत पर भी क्या है, शीशे लगे होते हैं, जिसके द्वारा जो भी वहाँ पे यात्री बैठा हुआ रहता है वो यात्रा करते समय साइड में तो देख ही सकता है, साथ ही साथ ऊपर का जो भी दृश्य है उसको भी देख सकता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो रांची से न्यू गिरिडीह, रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। तो रांची से गिरिडीह ये चलेगा, तो रांची न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसका शुभारंभ किसने किया है, तो अन्नपूर्णा देवी ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एक न्यूज़ है गुमला सिमडेगा और हजारीबाग में क्या होगा, इसमें महाझींगा मछली का पालन होगा। महाझींगा मछली जो है ये काफ़ी कॉस्टली मछली होता है और हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी इसमें पोषक तत्व तो होते हैं। तो महाझींगा मछली को आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे इसका पालन किया जाएगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, तो गुमला सिमडेगा और हजारीबाग में। उसके बाद रांची में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या होता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो इसके बारे में आपको जानना है कि जो इसका पहला जो चरण है, तो पहले चरण में 1 लाख रुपये तक का, जैसे कि सबसे पहले इसमें किसे फ़ायदा दिया जाएगा, तो जो भी आप देखते होंगे बढ़ई है, दर्जी का काम करने वाले हैं, लोहार है, ठीक है, तो जो भी पारंपरिक जो पेशा काम करते हैं, जो पेशा है जिनका पारंपरिक पेशा है, उनको मदद करना है, उनको हेल्प करना है, ठीक है। तो इसमें जो पहले चरण में झारखंड में 1 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, और उसमें जो ब्याज मिलेगा कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो 5%। और फिर जो दूसरा चरण है उसमें 2-2 लाख रुपया करके, वो भी बहुत रियायती दर पे कर्ज मिलेगा, और शुरुआत में एक ट्रेनिंग देने के साथ ही उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना झारखंड में कब लॉन्च हुआ, तो 17 सितंबर को लॉन्च हुआ। उसके बाद है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो पूर्व DGP थे नीरज सिन्हा, इनको JSSC का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो JSSC के चेयरमैन कौन बने हैं, नीरज सिन्हा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद तीन टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे जैसे नेतरहाट है, पदरातू है और मैकलुस्कीगंज, यहाँ पे योगायुष केंद्र बनाया जाएगा। योगायुष केंद्र मतलब एक तरह का वेलनेस सेंटर के जैसा होगा, जहाँ पे जो भी पर्यटक जाएंगे तो उनको तनाव मुक्त किया जाएगा, डॉक्टर भी रहेंगे वहाँ पे और मेडिकल से बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी, तो मतलब आप कह सकते हैं एक वेलनेस सेंटर के जैसा। तो योगायुष केंद्र स्थापित कहाँ कहाँ किया जाएगा, नेतरहाट, पतरातू और मैकलुस्कीगंज। अगला न्यूज़ है, झारखंड का पहला सोलर प्लांट लगाया जाएगा, इसका उद्घाटन हो चुका है। तो कहाँ पे हुआ है, KTPS Area 1 में, ठीक है। और ये किसके द्वारा संचालित है, तो DVC द्वारा संचालित है, KTPS Area 1 में। और तो बस आपको याद रखना कि पहला सोलर प्लांट जो है ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो KTPS एरिया में, और ये है DVC के अंतर्गत है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 को बोकारो और दुमका में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, ये भी आपको याद रखना है कि बोकारो दुमका में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा, तो 24 में, जनवरी 2024 में। उसके बाद देवघर जिला के 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया, मतलब देवघर जिला में शहरी क्षेत्र के लिए 5 हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और एक न्यूज़ है, हमारी गौमाता हमारा दायित्व योजना, इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है। बस आपको याद रखना है हमारी गौमाता हमारा दायित्व, ये क्या है, इसके तहत क्या है ना, कि जो भी
इस मेंबर बनाया जाएगा, और मतलब जो भी गौशाला में गायें हैं उनको मतलब एक तरह से कोई अगर गोद लेना चाहता है, और गोद लेने का मतलब क्या है कि उस गाय का जो भी खर्च होगा चारा के लिए वो उसको दिया जाएगा, और उसे जो भी पैसा इकट्ठा होगा तो वो सारा फिर पशुधन के स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा। तो हमारी गौ माता हमारा दायित्व, ये योजना है। उसके बाद बैरमो के ढोरी, ठीक है, बैरमो के ढोरी एरिया में, यहाँ पे स्पेस नहीं लगा है, ठीक है, तो बैरमो के ढोरी एरिया में क्या होगा, लगेगी CCL की पहली हाई वॉल माइनिंग। तो ये हाई वॉल माइनिंग क्या होता है, तो ये पहली बार लग रहा है, ठीक है। तो हाई वॉल माइनिंग में क्या होता है, जैसे पहले आप देखते होंगे अंडरग्राउंड जो माइनिंग होता है, तो ये उसी क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पे कोई एरिया है वहाँ पे क्या है, घर है, ऊपर में ज़मीन में घर है, तो वहाँ से लोगों को हटाया नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं कि वहाँ के लोगों को हटाया है। तो इस वजह से क्या होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग की तरह ही ये किया जाता है, हाई वॉल माइनिंग। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसके द्वारा ये जो कोयला है उसके नीचे से मतलब सरफेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए कोयला को निकालना, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थे अगस्त 2023 के, सॉरी सितंबर 2023 के। अब अगले वीडियो में हम लोग अक्टूबर और नवंबर के भी जो करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और एक चीज़ और, इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस PDF को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।